देश के पहले गृह मंत्री और लौह पुरुष माने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर साप्ताहिक जागरूकता सप्ताह दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर भ्रष्टाचार उन्मूलन की बातें होती हैं, ईमानदारी का पाठ पढ़ाया जाता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के DGM बी बालाजी राव। आइए उनसे बात करते हैं, बैंक इस सतर्कता दिवस को किस तरह मनाता है। सर, आपका दखल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। ये जो बैंक है, बैंकों में सतर्कता जागरूकता जो सप्ताह मनाया जाता है, उसको किस तरह बैंक लेती है? सत्यम जी नमस्कार। दखल न्यूज़ के माध्यम से सारे प्रेक्षकों को भी मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक मौका दिए हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को इस विषय पर चर्चा करने के लिए। बोल के लौह पुरुष हमारे जो प्रथम गृह मंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की जन्मतिथि पर इस सप्ताह को मनाया जाता है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह के हिसाब से। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये जानना बहुत आवश्यक है। ये माना जाता है कि भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार का जननी है लालच। इंसान का लालच ही इंसान को भ्रष्ट बना देता है, और जो व्यक्ति संतृप्त रहता है वो भ्रष्टाचार कभी नहीं करेगा, ये माना जाता है। ये उद्देश्य को पालन करने के लिए बोल के, ये उद्देश्य को मिलने के लिए बोल के अति आवश्यक है जागरूकता। आज जो आपकी चैनल दखल न्यूज़ जो कार्य कर रही है, ये एक पहल है, एक छोटी सी कदम है। लोगों तक जागरूकता पहुंचाना है। भ्रष्टाचार एक तरफा नहीं होता है, दोनों साइड से होती है। लालच एक आदमी का नहीं रहता है, दोनों साइड का होता है। कायदा कानून को पालन करते हुए आप अगर कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें किसी भी प्रकार का गलत नहीं होगा, और गलत नहीं होगा तो फिर भ्रष्ट होने की सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसके तहत कई सारे कदम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने उठा चुके हैं, और ख़ास करके आपकी जानकारी के लिए और सारे प्रेक्षकों के जानकारी के लिए बता दूं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया संयोजक है राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति मध्य प्रदेश का। ये एक हमारे पास दोहरा जिम्मेवारी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास, कि मध्य प्रदेश में सारे बैंक, सारे वित्तीय संस्थाएं, भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन के बीच में समन्वय साधने के लिए, जिसके कारण कई सारे सरकार की डेवलपमेंटल कार्यक्रम जितना भी है, वो कार्यक्रमों को बैंकों के द्वारा जहाँ जहाँ पे उसको लागू करनी रहती है सुचारू रूप से लागू किया जाए, और साथ में उसमें किसी भी प्रकार का अगर गड़बड़ियाँ होती रहती होगी तो वो गड़बड़ियाँ को भी दूर करने के लिए, ये उद्देश्य के साथ जो है ये सतर्कता सप्ताह में हम लोगों को जागरूक करते हैं। हमारे हिसाब से लोग मात्र नागरिक नहीं है, नागरिक के साथ साथ बैंक में जितने कार्यरत कर्मचारी हैं, जितने अधिकारी हैं, जिनके पास अधिकार दिया गया है कोई निर्णय लेने के लिए बैंक के तरफ से, उन सबको भी हम जागरूक करते हैं, उन सब के पास भी हम जानकारी देते हैं। नियम को पालन करते हुए कार्य आप निष्पादन करें, निसंकोच निर्भय होकर काम करें, तो आपके हाथ से कोई भी गलती नहीं होगी, और गलती नहीं होगा तो देश को किसी भी प्रकार का ठोस नहीं पहुंचेगी। तो बी बालाजी राव का साफ कहना है कि जो लालच है वह पहली सीढ़ी होती है किसी भी भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने के लिए। आइए हम बात करते हैं और भी। सर, जैसे देखा गया है कि बैंकों में भी भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गया है, आए दिन कुछ न कुछ भ्रष्टाचार की खबरें हमारे चैनलों पर या दूसरे चैनलों पर भी देखी जाती हैं, तो जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है बैंकों में, उसको लेकर आप क्या बोलेंगे, उसको कम करने की क्या, किस दिशा में ये काम किया जा रहा है बैंकों द्वारा? सत्यम जी, अगर देखा जाए कहीं डाटा लेकर या स्टैटिस्टिक्स लेकर देखा जाए तो संभवतः यह कहना उचित नहीं होगा कि बैंकों में भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। अखबारों में कई सारे छाप रहे हैं, देखिए अखबार जो होती है कई सारे न्यूज़ मीडिया में से एक स्रोत है, और कई बार ऐसा भी पाया गया है कि झूठा कंप्लेंट भी किया जाता है।
हाँ, भ्रष्टाचार निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पूरा का पूरा खत्म करना अति आवश्यक है, अति आवश्यक, क्योंकि ये समाज के लिए बोल के एक कर्क रोग है। वो कर्क रोग जो कि थर्ड स्टेज में है, साधारणतः डॉक्टर भी बोलते हैं थर्ड स्टेज का कर्क रोग ठीक नहीं किया जा सकता है इस प्रकार का, इसको टोटली हटाना ही पड़ेगा। जहाँ तक बैंकों की सवाल है, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, जितने भी निर्णय लेने के लिए बोल के जितने अधिकारी हैं, उन सारे अधिकारियों को समय समय पर हम बैंकों का दिया हुआ कायदा नियम कानून को पालन करते हुए निर्णय लेने के लिए बोल के हम बार बार उनको हम बताते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, उदाहरण देते हैं। कुछ इक्का दुक्का जगह में आप जैसे बता रहे हैं सत्यम जी, हम ये कदय ये नहीं बोल रहे हैं कि बैंकों में बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं होती है, सारे दुनिया में भ्रष्टाचार होती है, ऐसा नहीं कि भारतवर्ष में ही भ्रष्टाचार होती है। आप समृद्ध देश आज जिसको बोला जाता है, उन देशों में भी भ्रष्टाचार हो रही है। भ्रष्टाचार के पीछे मैंने जैसे बताया आपको कि लालच, जब तक इंसान है उसको कहीं ना कहीं लालच रहती है, और थोड़ा सा वो पथ भ्रष्ट हो जाता है, पथ छोड़ दिए तो निश्चित रूप से दुर्घटना घटनी है। तो इसलिए अति आवश्यक है कि हम कायदे के हिसाब से काम करें, और बैंकों का जो रूल्स है, पॉलिसीज है, पॉलिसीज के तहत काम करें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कायदा बनाती है, भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन हमें कुछ गाइडलाइंस वगैरह देते हैं, उसके तहत काम करते हैं, तो कतई ही किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगी। सतर्कता जागरूकता सप्ताह में सेंट्रल बैंक अभी आगे और क्या क्या करने जा रहा है, क्या क्या प्रोग्राम डिसाइड किए हैं कि ऐसे प्रोग्राम किए जाएंगे जिससे ईमानदारी का पाठ पढ़ाया जा सके लोगों को, लोगों में भ्रष्टाचार कम हो, ईमानदारी के प्रति जागरूकता बढ़े? बहुत अच्छा सवाल किए हैं सत्यम जी। ईमानदारी का पाठ तो नहीं पढ़ाते हैं हम लोग, क्योंकि ये कोई पाठ नहीं होता है, ये होता है आचरण। अति आवश्यक है कि इंसान की आचरण में परिवर्तन लेके आए, जिसके वजह से आदमी के हाथ से किसी भी प्रकार का जानबूझकर गलती ना हो। काम करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलतियां हो सकती है, लेकिन वो गलतियों का भी दो प्रकार होता है, जानबूझकर गलती किया और अनजाने में गलती किया। अनजाने में गलती हो जाती है, उसके लिए बोल के निश्चित रूप से हमारे पास है बहुत सारे साधन, जैसे हम इस साल हम करने जा रहे हैं, लेकिन वो करने से पहले कोरोना महामारी को तो पूरा दूर रखना अति आवश्यक है, उसके साथ लड़ाई करके उसके ऊपर हमको जीतना बहुत आवश्यक है। उसको ध्यान में रखते हुए जैसे पिछले कई सालों से हम करते आ रहे थे, जागरूकता सप्ताह के में हम डायरेक्टर सीबीआई साहब को बुलाते थे, और हमारे प्रशिक्षण के कॉलेज में एक प्रोग्राम हम रखते थे, वहाँ पे बहुत सारे चर्चा होती थी और बहुत अच्छे अच्छे सुझाव वहाँ से आते थे। वो सुझाव को जो है हम सारे बैंकों के साथ, क्योंकि हम लोग राज्य स्तरीय बैंकर समिति का संयोजक हैं, तो हमारे पास दूरा ये जिम्मेवारी है, तो हम सारे बैंकों को भी देते थे, हमारे खुद की बैंक को भी हम दे रहे थे। लेकिन चूँकि इस समय ऐसा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करना अति आवश्यक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि संभवतः हम लोग वीसी के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वेबिनार करेंगे, और उसके द्वारा हम जो है जितने सारे बैंक का स्टेट हेड्स हैं उनके साथ, और सतर्कता अधिकारी हर बैंक के लोकल हेड ऑफिसर्स में हैं, उन लोगों के साथ एक चर्चा होगी, जिसमें कि हम सीबीआई, एंटी करप्शन ब्यूरो, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, वहाँ से पदाधिकारी जो हैं उनमें से किसी एक को बुलाएंगे, बुला के उनके द्वारा ये सत्र में जानकारी वगैरह हम देंगे। इसके अलावा जो हमारा विचार ऐसा है कि जो प्लान हमने किए हैं करने के लिए, हमारे पास दो ट्रेनिंग सेंटर्स है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, एक छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर में है और दूसरा एक भोपाल में है मध्य प्रदेश के लिए। इन दोनों का उपयोग करते हुए हम हर ब्रांच की हर स्टाफ मेंबर के लिए बोल के हम एक प्रशिक्षण देने चाहते हैं, लगभग एक घंटे का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ ऐसे दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बोल के
नेटवर्क उतना अच्छा नहीं दे पाएंगे, तो उनके साथ हो सकता है हम टेलीकॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, लेकिन इसके बारे में जानकारी हम जरूर देना चाहते हैं, जिससे कि भ्रष्टाचार को हटाने के लिए बोल के काफ़ी मदद हो पाएगी। नॉलेज इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, ये वेपन को हर व्यक्ति के तक पहुंचाना अति आवश्यक है। उसी हिसाब से हम लोग ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता भी हम करेंगे सारे बैंक के स्टाफ के द्वारा, जिससे कि लोगों की जागरूकता बढ़ जाएगी। और साथ में हम हाल ही में लगभग हम ये सतर्कता के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में जानकारियाँ हमारे शाखा प्रबंधकों के साथ हाल ही में जितने भी मीटिंग्स हुई है, लगभग हमने सितंबर महीने से चालू कर दिए थे, सितंबर से जो मीटिंग्स जितने भी हुए हैं, ज़्यादातर मीटिंग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, तो उस हर मीटिंग में भी हम इस विषय के ऊपर चर्चा अवश्य किए हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। इसी प्रकार हमारा एक बैंकर्स क्लब है भोपाल में, अच्छा काम करता है बैंकर्स क्लब, बैंकर्स क्लब का मीटिंग में भी हम हाल ही में प्लान कर रहे हैं कुछ करने के लिए बोल के उनका मीटिंग, उस मीटिंग में भी हम इस विषय पर ज़रूर चर्चा करेंगे कि भ्रष्टाचार को हटाना है, पूरा निकाल देना है, क्योंकि इस वर्ष की जो थीम है, इस वर्ष की जो उद्देश्य है इस सप्ताह का, वो उद्देश्य यह है कि सतर्क भारत समृद्ध भारत। ये तभी समृद्ध हो पाएगी भारत जब भ्रष्टाचार पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अक्सर देखा गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कई प्रोग्राम किए गए हैं सतर्कता जागरूकता अभियान को लेकर, पिछले साल भी हम यहीं आए थे, हमने बात की थी, पिछले साल भी प्रोग्राम किए गए थे भ्रष्टाचार उन्मूलन को लेकर बात की गई थी। इस बार चूंकि कोरोना का महामारी के कारण थोड़ा सा वेबिनार के माध्यम से, सर ने बताया कि वेबिनार के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो सतर्कता जागरूकता अभियान मनाया जा रहा है, इसमें ज़्यादा सोशल गैदरिंग का प्रोविजन किया गया कि इसको सोशल गैदरिंग नहीं किया जाएगा। सर कैसे बिना सोशल गैदरिंग किए बिना कैसे, और भी जैसे प्रोग्राम डिसाइड होते हैं स्कूलों में जाकर प्रोग्राम किए जाते थे, तो अब कैसे स्कूलों में जाकर के, अभी स्कूल जा नहीं पाएंगे, तो कोरोना महामारी को देखते हुए वेबिनार में आप कैसे संदेश भेजेंगे, कैसे कनेक्ट होंगे लोगों से, और सेंट्रल बैंक और इस सब्जेक्ट को लेकर और कैसे आगे बढ़ाएगा, कि चूंकि समृद्ध भारत लाना इस बार का संदेश है कि समृद्ध भारत करना है, तो कैसे समृद्ध भारत होगा? और देखिए, बच्चे जो होते हैं देश के भविष्य होते हैं। कहावत ऐसा है कि आप बीज जो बोएंगे पेड़ उसी की आएगी, फल उसी का खाएंगे आप, तो इसीलिए बच्चों के पास से ही हमको शुरू करनी है कि भ्रष्टाचार से अपने आप को दूर रखो। जैसे हमने बताए थे लालच, लालच वहीं से ही अगर हम पूरा हटा देंगे तो वो जब बच्चा बड़ा हो जाएंगे, बड़ा हो जाने के बाद वो भ्रष्टाचार से अपने आप को दूर रखेंगे। तो ये करने के लिए बोल के इस साल, चूँकि अभी तक भी स्कूल्स कॉलेजेस पूरे के पूरे तरह से खुले नहीं हैं, लेकिन सारे स्कूल्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उनका ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस चल रही है, तो हम स्कूल कॉलेजेस को ये अनुरोध करेंगे कि एक आधा घंटे का या एक घंटे का सत्र जो है वो हमें दें, उसमें चाहे हम जहाँ जहाँ संभव हो पाएगा वहाँ पे हम प्रत्यक्ष रूप में हमारे बैंक के अधिकारी, शाखा प्रबंधक, आंचलिक प्रबंधक या हमारे फील्ड महाप्रबंधक श्री माहुरकर साहब, जो कि फील्ड महाप्रबंधक हैं और आप संयोजक हैं राज्य स्तरीय बैंकर समिति का, तो उनके द्वारा भी हम एक वीडियो बनवाएंगे और वीडियो स्ट्रीमिंग कराएंगे कि भाई भ्रष्टाचार से दूर रहना किस लिए आवश्यक है, कैसे अपने आप को भ्रष्टाचार से दूर रखा जा सकता है। आशाएं मात्र सीमित रखिए जितने आपकी आवश्यकता है, आशा उससे ज़्यादा मत रखिए, तो ऑटोमेटिकली आप भ्रष्टाचार से दूर रह पाएंगे। एक तो ये हम करेंगे और साथ में ये भी हो सकता है, हमारे द्वारा ये भी किया जा सकता है कि एक छोटा सा हम साइकिल रैली निकालें जिसमें कि 20-25 से 50 लोग साइकिलिंग करेंगे, साइकिलिंग करते हुए यह नारा देते हुए, क्योंकि साइकिलिंग करने के टाइम पर निश्चित रूप से आपको 2 गज का दूरी रखना ही पड़ेगा, मास्क पहनेंगे और 10-12 किलोमीटर जो साइकिलिंग करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, इस प्रकार कुछ हम कार्यक्रम जरूर करेंगे। अभी पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अभी लोगों से अपील की है कि अभी कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है,
चूँकि कोरोना कम जरूर हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमको 2 गज की दूरी बना के रखनी है, मास्क करना है, प्रशासन के नियमों का पालन करना है। सर आपकी ये पहल तो बेशक काबिले तारीफ है, लेकिन अगर मान लीजिए भ्रष्टाचार होता है या बैंक के कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं या किसी से कोई डिमांड करते हैं, उस वक्त पे उस आदमी को क्या करना चाहिए? उस कोई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कोई नंबर इशू करता है, किस नंबर पे बात किया जा सकता है कि अगर कोई भी भ्रष्ट अधिकारी उनसे कोई भी कुछ डिमांड करता है कुछ काम के लिए, तो क्या ऐसा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास कुछ है जिससे वो अपनी कंप्लेन कर सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों के पास? सत्यम जी, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का वेबसाइट में भी आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का वेबसाइट ही नहीं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हर शाखा में एक बोर्ड डिस्प्ले की गई है जिसमें कि शाखा का समय और बाकी जानकारियां के साथ साथ क्षेत्रीय प्रबंधक जी का नाम और उनका कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे लिखा गया है। आप उनसे भी संपर्क करके आपका कंप्लेंट जो है आप दर्ज करा सकते हैं। हमारे पास ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं और जैसे ही आती है हमारे पास तुरंत एक वरिष्ठ अधिकारी जिनको उस विषय पर, जिस विषय पर कंप्लेंट आई हुई है, उस विषय पर जिनको जानकारी अच्छी होती है, उनको हम प्रत्यक्ष रूप में उस कार्यालय को, उस शाखा को हम भेजते हैं। भेज के उसकी पूरा छानबीन कराते हैं, सत्यता पहले परखते हैं और अगर सत्य पाया गया है तो तुरंत उसके ऊपर योग्य कार्रवाई जो है बैंक के नियम कानून के हिसाब से हम तुरंत लेते हैं, उसमें कतई हम पीछे नहीं हटते हैं। तो डीजीएम साहब का साफ कहना है कि सतर्क रहें, जागरूक रहें, कहीं भी भ्रष्टाचार की बातें आती हैं तो आप सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी बैंक की शाखा में जाकर, या डीजीएम सर का नंबर रहता है या किसी भी बैंक में जो कंप्लेन नंबर रहता है उसमें आप कंप्लेन कर सकते रहें। तो आप सतर्क रहें, जागरूक रहें। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।